हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू अन सी ए फाउंडेशन प्रो चैनल योर योर वन स्टॉप फॉर ऑल सी फाउंडेशन प्रेपरेशन आई एम सी ए शशांक साहब आपका अपना सी ए शशांक भैया हमने ये संकल्प लिया है कि आप जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उन सबको सी ए बनाना है और पूरी कोशिश करनी है कि हमारे साथ बहुत सारे नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए यू you नो know, कोई भी थ्योरी पेपर जब आप लिखते हो एंड जब आप उसे सॉल्व करते हो देर आर रॉट ऑफ आंसर राइटिंग इश्यूज़ समझ में नहीं आता है कि आंसर्स लिखे कैसे यू ऑल फील लाइक वी ऑलवेज डिड दैट कि सर क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है बट लिखे कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आंसर्स लिख भी दिया एंड उसके बाद आपको पता चलता है कि ओ oh शिट मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया ये टॉपिक कोई दूसरे टॉपिक के साथ में था एंड माय आंसर इज रॉन्ग एंड द थर्ड मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स मेक इज कि वो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं स्पेशली द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे ऑलवेज फोकस

पहला चीज बिफोर आई स्टार्ट कर दिया but still, is that कि सबसे पहले आपको आंसर्स आंसर्स को लिखना जरूर है make sure that you write the answers. अगर आप answers लिखोगे नहीं कितने ही आप जो है आंसर्स पढ़ लो कॉन्फिडेंस वाइल यू आर राइटिंग इन मेक श्योर दैट यू ऑलवेज राइट द आंसर क्या करें सर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर हमारे साथ में आ गए हमारे पास आ गया है तो क्या करें सर सबसे पहले आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करता है द प्रोविजन सर प्रोविजन मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन को पढ़ो वो कोई ना कोई एक्ट से होगा करेक्ट अगर मल्टीपल एक्ट है तो कोई ना कोई एक्ट से होगा ठीक है उस पहले एक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए आप फिर वो एक्ट के थोड़े अंदर जाइए और ये देखिए कौन से यूनिट से था ये जो सवाल है ये जो है, ये जो क्वेश्चन है कौन से प्रोविजन का था कौन से टॉपिक के पास था प्रोविजन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है विच टॉपिक ये कौन से टॉपिक का सवाल है और उस टॉपिक का अगर हो सके तो आप लैंग्वेज याद करने की कोशिश कीजिए सर रटने की बात कर रहे हो आई नो इट साउंड आप पूरा का पूरा टॉपिक याद नहीं भी कर सकते हो जो कि पूरा बुक याद करने का क्राइटेरिया आईसीआई ने नहीं रखा है डेफिनेटली इन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सर्टन still remember द प्रोविजन as टू what द टॉपिक इज ऑल अबाउट वो सेक्शन वो जो पार्ट है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है

केस स्टडी को आप शॉर्ट में प्रोविजन से लिंक करके लिखिए ठीक है और बताइए कि वो

राइट नंबर टू जो आपको ध्यान रखना है वाइल राइटिंग योर आंसर्स इज दैट यू शुड ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स और इन पैराग्राफ्स ठीक है मैं नहीं बोलूंगा कि आप अगर एक साथ एक बल्क में आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा बट थिंक फ्रॉम दी चेकर पॉइंट ऑफ व्यू अ चेकर विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल जब आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हो जब आप पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करते हो इट इज ईजियर ऑन द आईज ठीक है तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है pointers and paragraphs का इस्तेमाल करिए जो भी आपके important points होते हैं उनको आप श्योर sure करिए कि आप उसे अंडरलाइन करें ठीक है ताकि वो चेकर को समझ में आए कि ये बच्चा पढ़ के आया है और ये पॉइंट वो हमें कन्वे करने की कोशिश कर रहा है पॉइंट नंबर फोर इज ये हमने चेकर के परस्पेक्टिव से एंड जो टॉपर्स के पेपर है उसके हिसाब से एनालाइज करके दिया है कि कई सारे टॉपर्स जो है वो चार्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं डायग्राम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल्स यूज करते हैं नॉट इन ऑल बट इट इज कई बार ऐसा होता है कि उस टेबल से उस चार्ट से आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है बहुत बार वो चेकर जो है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आपका नहीं निकालता है बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड कि आपको आंसर ऑलरेडी आता है Right, so make use of charts, diagrams, and examples wherever it is possible. And point number five, last but not the least, is that section number. कंपलसरी नहीं होता है सेक्शन नंबर लिखना इज नॉट कंपलसरी बट अगर आप लिख रहे हो तो गलत कोठ मत करिएगा ठीक है उससे अननेसेसरी आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स याद हो गए हैं फैबुलस यू कैन ऑलवेज रिमेंबर बट अगर आप सेक्शन नंबर नहीं लिख रहे हो तो सर व्हाट इज द वे टू स्टार्ट तो आप क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ दी सो एंड सो एक्ट या फिर एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सो एंड सो एक्ट या फिर प्रोविजन ऑफ स्टेट दैट एज पर एन इंपॉर्टेंट एक्ट दैट तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को शुरू कर सकते हो ऑलवेज रिमेंबर हैक प्रोविजन एनालिसिस

I hope that you are doing absolutely well. This is your Sushant Bhaiya. Take care, everybody. Bye bye.